स्वागत है जी तुहाडा। श्रोमणी अकाली दल ने 2022 दीआं तैयारियां आरंभ दित्तियां ने। भवानीगढ़ विखे अज साबका संसदी सकत्तर बाबू प्रकाश चंद गर्ग ने एक प्रैस वार्ता की है। अज उन्हां एससी विंग दे प्रधानां दा ऐलान किया। अज उन्हां बरविंदर सिंह नूं एससी विंग निजामपुर दा प्रधान, तरसेम सिंह नूं एससी विंग दा कराचो एरिए दा प्रधान, करनैल सिंह सहोता नूं एससी विंग भवानीगढ़ दा प्रधान ऐलान किया। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, बाबू प्रकाश चंद गर्ग एससी विंग दी जो बॉडी है वह ऐलान कर रहे ने, लिस्टां जारी कर रहे ने। सो आओ लैके चलदे आ तुहानू बाबू प्रकाश चंद गर्ग कोले। निशाने मिल रहे ने सूबा सरकार ते करोना काल दौरान मलेरकोटले नूं जिला बनाए जाण ते टिप्पणियां सुनते हैं की कह रहे हैं बाबू प्रकाश चंद गर्ग। सर्कल प्रधानों ने अपनी जथेबंदी लिस्टा जारी की। तरसेम सिंह साढ़े कराचो सर्कल के प्रधान ने, बड़े बीबे बंदे ने, बड़े मेहनती ने। इन्होंने अपनी जथेबंदी कराचो सर्कल की, और बलविंदर सिंह माझी ने यह निजामपुर सर्कल के प्रधान ने, इन्होंने अपनी निजामपुर जथेबंदी की सर्कल की जथेबंदी। और करनैल सिंह सहोता जोड़े ने वो साढ़े भवानीगढ़ सर्कल के प्रधान ने एससी विंग के। इन तिने प्रधान साहबान ने अपनी जथेबंदी जी हैगी है वो अज अनाउंस की हैगी है। और मैं उम्मीद करदा कि जिस ढंग के नाल एससी भाईचारे के अंदर श्रोमणी अकाली दल के प्रति उत्साह है, क्योंकि एससी भाईचारा संबंध है कि जो भी कोई राहत मिली है, जो कोई मदद की है तो श्रोमणी अकाली दल ने की है। श्रोमणी अकाली दल वचनबद्ध है कि असी दलित समाज में आने वाले टाइम के उन्होंने मुश्किलों का वधिया सारू हल कढ़ांगे। भावें देखो हुण पिंडां दे अंदर जिहड़ी दलित भाईचारे दे हिस्से की जमीन है, पंचायती जमीन, उहदे लई भी असीं इक पक्का नियम बनावांगे ताकि उन्हां परिवारां नूं बड़े घट रेट के उत्ते असीं जिहड़ी जमीन है उन्हां नूं काश्त दे लई दे सकीए, सांझी खेती लई दे सकीए, ताकि उन्हां नूं बार बार सड़कां ते लाउणा पवे, रोलां ना पवे, उन्हां दा बनदा हक जिहड़ा उन्हां नूं मिले। इस ढंग के नाल जो होर सहूलत भी देने की गल हैगी है, उसे दलित भाईचारे को देवे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जो कुछ भी वादे उन्हें 2017 किए थे वो कला कला वादा मुकर गया। ईवन ला लो कि जेडे एस सी ते बी सी भाईचारे में स्कॉलरशिप सी, जिदे सारे नाल बच्चे पढ़ते सी पहले, दे बच्चों अज घर बैठे ने कि 4 लाख बच्चे की बजाय 1.5 लाख बच्चा रह गया। स्कॉलरशिप है धर्म जी धर्म स्रोत आ गया इन्हों, तो इन्हों कोई चिंता नहीं। इन्हों की आप जुत्तम जुत्ती हो रहे हैं, राजसी लड़ाई हो रही है, तो चिंता तो करनी चाहिए थी करोना की। तो दूजे एक दूजे को ढाँव से लगे ने, वो सिद्धू कही जाता मैं उन्होंने ढा सकता हूँ, कहना उन्होंने ढा सकता, तो लड़ाई इन्हों की सत्ता की हो रही है। ढंगे वरत के उन्होंने ढा लाना चाहती है। केंद्र सरकार ने किसान अंदोलन कदे नक्सलाइट अंदोलन कहा, कदे अतवादी कहा, कदे पक्षवादी कहा, और उन्होंने तरह तरह के इल्जाम जड़े ने किसानों पर लाए थे। तुसीं देखो कि डायरैक्ट पेमेंट जी की वह भी एक किसानों पर वार सीगा कि शायद किसान ते आढ़तियों का रिश्ता टुट जाए। दोवें सरकारां दे कहण जूद किसान जथेबंदियां दे कहण दे बावजूद भी जिहड़ी कणक दी पेमेंट है वो डायरैक्ट सीधी किसानां दे खाते च पाई है। उहदा कारण इह सीगा कि किसान अंदोलन नूं ढा लग जाए। 15-15, 20-20 दिन किसान खज्जल खुआर होए अपनी कणक दी पेमेंट लैण वास्ते। फिर उन्होंने पहलां उन्हां नूं वख-वख ढंगां दे नाल जोड़न दा यतन कीता, फिर उन्होंने करोना की गल की। हुण देखो मनोहर लाल खट्टर जिहड़े मुख्यमंत्री ने हरियाणे दे, उन्हां दा इह गल कहना कि पिंडां दे विच जिहड़ा करोना की लहर है वो किसान अंदोलन करके है। किड्डी हासोहीणी गल है
कि सरकारां तो इंतजाम नहीं हो रहा। जिहड़ियां हैल्थ सेवावां ने ठप होईयां पईयां ने, हस्पतालां दे विच ना आक्सीजन है, ना वेंटीलेटर है, ना डॉक्टर ने, कोई बैड नहीं हैगा। इंतजाम तो सरकार तो बनिया नहीं, वैक्सीन हुण तक इंतजाम नहीं होया। 45 साल तो उपर दे जिहड़े पेशेंट आम बंदे सी उहनां दे लाउणी सी, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ।